मेरा नाम डॉक्टर जय भगवान है। मैं लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको पशुओं में हमारे जो गायें भैंस हैं इनमें रोगों से लड़ने के लिए जो हम टीकाकरण करवाते हैं उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। जिस प्रकार से हम आदमियों में हम अपने बच्चों में टीकाकरण करवाते हैं अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए, उसी प्रकार से गायें और भैंसों में भी टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे पशुओं को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है, उनकी प्रजनन अक्षमता को बढ़ाता है, उनसे हमें ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। अगर एक बार पशु में रोग आ जाता है तो उस कारण किसान को और पशुओं को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक वह स्वास्थ्य की हानि होती है। इसलिए हम इसलिए हम बीमारियों से बचाने के लिए रोगों से बचाने के लिए पशुओं में टीकाकरण करवाते हैं। अगर हम अपने गांव की बातें करते हैं, अगर हम गाय भैंस की बातें करते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से दो रोग बहुत ही ज़्यादा घातक हैं जिस कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है, वे दूध देना कम कर देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक है गलघोंटू का रोग और दूसरा है मुँह और खुर का रोग। ये दोनों रोग बहुत ही ज़्यादा संक्रामक रोग हैं। ये एक पशु से दूसरे पशु में उसके लार से, खाने से, पीने से, उसके जूठे पानी से एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाते हैं और ये पूरे के पूरे गांव में और आसपास के इलाके में भी फैल जाते हैं। तो इन दोनों रोगों से बचाने के लिए हमें टीकाकरण करवाना चाहिए, जो कि हमारी हरियाणा सरकार है वो मुफ्त में सभी पशुओं को टीकाकरण करती है। इसके लिए हमारे जो पशु चिकित्सक के सहायक होते हैं वे आपके घर पे आके या आपको हॉस्पिटल में बुला के पशुओं का समय समय पर टीकाकरण करते हैं। इसलिए आपको आर्थिक हानि से बचने के लिए और पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए आप नियमित रूप से टीकाकरण जरूर करवाएं, ताकि आपका जो पशुपालन का व्यवसाय है वो लाभदायक हो सके। कुछ किसानों में भ्रांतियाँ होती हैं कि टीकाकरण करवाने से पशुओं में दूध की कमी हो जाती है या वे बीमार पड़ जाते हैं, तो इसका ऐसा ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव नहीं है। कुछ पशुओं में हल्का बुखार आ जाता है जो कि दो या तीन दिन में ठीक हो जाता है, या एक दो पशु में कभी कभी दूध में कमी आ जाती है। लेकिन अगर एक बार अगर रोग आ जाएगा तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है और वो समय पर नए दूध नहीं होगा और उसमें जो कि किसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अतः मेरी आपसे हाथ जोड़कर और विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने पशुओं को रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। धन्यवाद।